matte is super matte and color payoff is amazing. एक स्वाइप में आपको काफी अच्छा कलर मिलता है एंड इट्स प्रिटी मैट. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हाइड्रा टोनर. इट इज अ रिफ्रेशिंग टोनर एंड अगर आप देखें इट्स ट्रांसपेरेंट एंड गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इट इज अल्कोहल फ्री. Majority of the cosmetic products that we have is does have denatured alcohol. Halal alcohol hota hai unmein. But this कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी skin sensitive होती है to alcoholic products. आपकी skin हो सकती है sensitive or extensively तो उन्हें alcoholic products नहीं recommend की जाती हैं. So this is a very mild toner I would say because this does not contain alcohol in any form. इसके साथ साथ इस product में आपको witch hazel and mallow मिलेगा एंड उसमें विटामिन सी होता है. विच हेजल इज बेसिकली वी कैन से उसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है. एंड इट हैज एस्ट्रोजन बेनिफिट्स विच मीन के आपको टाइटन करेगा आपकी स्किन को एंड आपके पोर्स को टाइटन करेगा एंड टोन करेगा. मेलो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट जो मौजूद है इसमें ये कम्फर्टिंग एंड बैलेंसिंग इफेक्ट देता है स्किन को एंड ये हाइड्रेट बहुत अच्छे से करेगा. बाकी विटामिन सी इज नोन फॉर ब्राइटनिंग द स्किन. तो दिस इज अ ऑल इन वन टोनर अगेन. इट इज ऑल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो इट हैज नॉट वन बेनिफिट बट मेनी बेनिफिट्स फॉर योर स्किन. इसको मैं टेक्सचर शो कर देती हूँ. सिंपल कैप ओपन करेंगे हम सबसे पहले एंड देन इट हैज अ होल इन देयर. बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है. इसकी बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है एंड इसको यूज करने का तरीका बता देती हूँ. ऑलराइट, सो इधर आप टिश्यू ले सकते हैं या आप कॉटन पैड ले सकते हैं. मेरे पास अभी दोनों इस वक्त सॉरी टू से मौजूद नहीं है. मैं नॉर्मल कॉटन से आपको यूज करके दिखा रही हूँ. तरीका सेम है. आपने थोड़ा सा इस पे पोर करना है, ठीक है, अंटिल इट्स वेट. एंड सिंपली अपने फेस पे आपने स्वाइप कर लेना है. That's it. And let it just खुद ही ये सूख जाएगा फॉरन. That's it. You do not have to wash your toner. या अपने हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है. Use tissue or cotton and that's it. अभी थोड़ी देर जैसे ही सूख जाता है then you have to apply your next products. Okay, the next product that we are going to use is the Optimals Seeing is Believing Eye Cream. This is the advanced range of this cream. तो इसकी बहुत छोटी सी क्यूट सी बॉटल है एंड इसमें 15 ml प्रोडक्ट मौजूद है जो कि आराम से 4 to 6 मंथ्स यूज हो सकती है बिकॉज हम बहुत बारीक और बहुत छोटी सी प्रोडक्ट लेते हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक आई पे एक टाइम पे कितनी प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए. दैट्स इट. वन टाइम आपने सिर्फ इतनी प्रोडक्ट यूज करनी है ऑन वन आई एंड दूसरी आई पे आप इतनी यूज कर लें. दैट्स इट. इसकी स्मेल पे बात करते हैं. दिस अगेन हैज अ वेरी रिफ्रेशिंग स्मेल. नॉट टू हार्श, बहुत माइल्ड सी स्मेल है इसकी. इसकी अगर हम इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं तो इट हैज 2 to 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हेल्प कर रहे हैं फॉर योर. अच्छा, इसमें आपको ये है कि ये फ्री रेडिकल डैमेज जो होता है जिससे हमारे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव आर्टिक रूज रूट्स और एंटी ऑक्सीडेंट जो इसके इसमें मौजूद है. ये फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगे जिसकी वजह से आपको रिंकल्स नहीं बनेंगे अराउंड द आई. प्रीमेच्योर रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 20 to 23+ एज. एंड इसमें एक प्लांट लाइक प्रोडक्ट इंग्रीडियंट है जिसका नाम होता है हॉप्स. हॉप्स जो है बेसिकली उसका एक्सट्रैक्ट डला हुआ है. ये आपकी स्किन को सूथ करती है अराउंड दी आई एरिया क्योंकि वो सिंस वो आई एरिया बहुत डेलिकेट होता है. साथ में इसके कैफीन मौजूद है जो कि अंडर आई की पफिनेस जो होती है उसको खत्म करता है. सो डार्क सर्कल्स इससे रिमूव हो जाएंगे इजीली, ठीक है. साथ में पफिनेस रिमूव हो जाएगी एंड आपकी आई एरिया को ब्राइटन करेगा एंड ये हाइड्रेट करेगा. ये इजीली हम दे सकते हैं टू पीपल अराउंड
18 या फिर इवन 16 टू 18 प्लस टू इजीली 25 प्लस एंड उसके बाद हम ब्राइट सिप्लाइन पे लेकर आ सकते हैं, वरना स्टिल आप ये दे सकते हैं जिनको डार्क सर्कल्स का कंसर्न हो, ठीक है. लेकिन अगर एक्सट्रीम रिंकल्स आ जाते हैं किसी के तो फिर ऑब्वियसली आपको एंटी एजिंग के साथ देनी होगी. राइट, सो द नेक्स्ट अप इज द हाइड्रा सीरम. इसका प्रॉपर नेम है हाइड्रा मॉइस्चर बूस्टिंग सीरम. ये ऑल स्किन टाइप्स है. I love this product because it is very very refreshing and it has lot of different ingredients jo ki hamari skin ko bahut acha effect denge if we use it in a proper routine. Again Swedish natural ingredients maujood hai iske andar. Iske andar blueberry extract maujood hai, cloudberry extract maujood hai, vitamin C maujood hai, vitamin E maujood hai. ब्लूबेरी जो है ये सुपर चार्ज होता है एंटी ऑक्सीडेंट से. ये अगेन स्किन को डैमेजिंग फ्रॉम फ्री रेडिकल से बचाएगा और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. क्लाउड बेरी जहाँ तक बात करते हैं हम, ये एक सब आर्टिक वाइल्ड बेरी है, ठीक है. एंड ये बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इसमें हाई लेवल जो है लविंग स्किन लविंग न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ठीक है. तो क्लाउड बेरी में विटामिन सी मौजूद होता है जो कि अगेन हमारी स्किन की रेडियंस को बूस्ट करता है और बाकी इसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के. ब्राइटर लुक देता है, मेलानिन की प्रोटेक्शन को प्रोडक्शन जिससे हमारा स्पॉटिंग हो सकती है, फ्रेकल्स होते हैं या टैन होते हैं हमारी स्किन वो उससे रुकता है इसकी. और इसमें अगेन आपको रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देता है विटामिन सी. विटामिन ई की जहाँ हम बात करते हैं, ये अगेन हमें रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड स्किन को एनहांस करता है, उसकी एबिलिटी को एनहांस करता है कि वो मॉइस्चर को अपने अंदर रखे एक्सेप्ट के ड्राइनेस होती है या किसी भी टाइम. हम पसीना जब हमारा निकलता है तो हम मॉइस्चर हमारा खोने लगते हैं हम विद टाइम. तो विटामिन ई जो है वो हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में. सो दिस सीरम इज अमेजिंग. इसके ऊपर कैप नहीं है बट ये लॉक होता है, अगर क्लिक होगा एक एंड इस तरह ओपन हो जाएगा. सिर्फ एक पम्प यूज होता है वंस टाइम यूज के लिए, दिन में दो दफा यूज होगा ये. अगेन इसकी बहुत रिफ्रेशिंग स्मेल है एंड फुल फेस पे इतना सा अप्लाई करके आपने एब्जॉर्ब कर लेना. ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो गया एंड वेरी मैट. सो सीरम के बाद हम अपनी मॉइस्चराइजेशन करते हैं एंड द फर्स्ट क्रीम दैट वी हैव इज हाइड्रेटिंग डे क्रीम. दिस डज नॉट कंटेन एनी एसपीएफ इन इट. तो ये ईजीली आप यूज़ कर सकते हैं, मैटिफाइंग लुक मिलेगा आपको, ऑयली नहीं करेगा स्किन को. और अगर आपको सन ब्लॉक चाहिए इसके ऊपर तो आप इजीली इसके ऊपर एसपीएफ लगा सकते हैं. अच्छा, इसकी जो सील थी वो मैंने ऑलरेडी निकाली दी है, ये ऊपर चली गई है वरना ये सील्ड आएगी प्रोडक्ट इस तरह से. ये यूज प्रोडक्ट है सो ये ऊपर तक फिल भी नहीं है, ठीक है. ऑलराइट, अब देख लेते हैं हम कितनी एक वक्त में यूज करते हैं प्रोडक्ट. दैट्स इट, ठीक है. अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया. इसके हम अगर इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं तो इसमें रेड एल्गी मौजूद है, ब्राउन एल्गी मौजूद है एंड इसमें मिनरल कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट. ब्राउन एल्गी में मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है जो कि स्किन को वापस रिस्टोर करते हैं, ठीक है. रेड एल्गी जो होती है बेसिकली डिहाइड्रेटेड स्किन को वापस से हाइड्रेट करती है और मॉइस्चर स्किन के अंदर होल्ड करती है, ठीक है. एक्वा मिनरल्स मौजूद हैं इसमें जो कि अगेन हाइड्रेट करते हैं डिहाइड्रेटेड स्किन को. एंड इसमें विटामिन सी मौजूद है जो कि स्किन को अगेन ब्राइटन करते हैं. एंटी पोल्यूशन एक्टिव मौजूद है जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस से आपको शील्ड करेंगे. एंड जो पोल्यूशन में हम जितना हमारा आजकल जितनी भी सिटीजन में शदीद पोल्यूशन होता है उससे आपको फिजिकली शील्ड करेगी ये स्किन. ये क्रीम जैसे आपने इसके अपनी स्किन के ऊपर एक नई स्किन की लेयर लगाई हुई है. तो बाहर जाते हुए आई वुड रिकमेंड ऑलवेज यूजिंग अ डे क्रीम क्योंकि मेजॉरिटी हमारी ओरिफ्लेम की डे क्रीम्स में एंटी पोल्यूशन एक्टिव मौजूद होता है एंड दिस इज़ ग्रेट फॉर प्रोटेक्शन. आप बात करते हैं कि इसकी आप देख लें मैटिफाइड है ये बहुत.
एंड मॉइस्चर और हाइड्रेशन देती है. एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है लोगों में कि ऑयली स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे. आई थिंक पर्सनली कि ये ऑयली स्किन ईजीली यूज़ कर सकती है. द क्वान्टिटी आई हैव शोन एज ऑल स्किन नीड्स मॉइस्चर. ऑयल आना फेस पे सीबम आना इज अ डिफरेंट थिंग देन हाइड्रेशन. All right, the first product that we're going to talk first is about the Hydra Refreshing Gel Wash. It is for all skin types. Iski first hum agar ingredients pe baat karte hain, to it has a lot of different ingredients jo ki skin ke liye bahut amazing hai. First off, it has strawberry extract jo ki hamari skin ko brighten karti hai, aur usme jo fruit acid hota hai वो हमारे पोर्स को अनक्लॉक करता है एंड स्मूदर लुक देता है. इसके साथ साथ इसमें बर्डॉक रूट मौजूद है जो कि प्रोडक्शन ऑफ सीबम को रिड्यूस करता है, ऑयल आने से रोकता है, कम करेगा ऑयल फेस पे ये, और शाइन फ्री कम्प्लेक्शन देगा. ठीक है, दूसरी थर्ड जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है जो कि सबसे वाजे भी है. इसमें जो ग्लू आपको बीड्स की तरह शो हो रहे हैं दैट इज़ आलमंड ऑयल बीड्स. एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आलमंड ऑयल के. आलमंड ऑयल इज़ ग्रेट फॉर डिलेइंग एजिंग प्रोसेस और ये स्किन को बहुत शाइन एंड हेल्दियर लुक देता है. नॉट शाइन सॉरी, हेल्दियर लुक देता है, ग्लो देता है एंड आपकी स्किन को स्मूथ करता है. सो दिस इज़ अ गुड ऑयल, लाइक आप रेगुलर रूटीन में अपनी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा लुक देगा. अब हम अगर इसके टेक्सचर पे बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ सोप फ्री फार्मूला. सोप फ्री फार्मूला का ये मतलब नहीं है कि ये झाग नहीं बनाएगा, इट मीन्स कि इसमें सोप का जो एसेंस अलग से डाला जाता है जिससे झाग बनाया जाए वो मौजूद नहीं है. इट इज़ अ क्लिंसिंग जेल प्रॉपरली जो कि एलिमिनेट करता है इम्प्योरिटीज़ को. आप देख सकते हैं इसमें ये आलमंड ऑयल का बीड दो आए हुए एंड ओवरऑल इसका टेक्स्चर नॉर्मल जिस तरह फेस वॉश होता है बिल्कुल उसी तरीके से है. और अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ अपने हैंड पे वॉश करके कि इसका झाग कैसे बनता है. थोड़ा सा पानी लूँगी मैं अपने हैंड पे. मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी और मैंने बहुत कम पानी लिया है, इससे काफ़ी अच्छे से क्लेंजिंग हो सकती है. ये काफ़ी अच्छे से इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करेगा, मेकअप को अच्छे से साफ करेगा एंड पोर्स के विदन जाके आपकी अच्छे से क्लेंजिंग हो सकती है एंड दिस विल गिव यू अ वेरी रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रेंज. राइट, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इन आवर रेंज इज ऑप्टिमल्स हाइड्रा नाइट क्रीम. दिस इज़ नरिशिंग नाइट क्रीम. सारी ही नाइट क्रीम्स नरिशिंग होती हैं. अगेन इसमें वही सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो कि डे क्रीम में थी एक्सेप्ट फॉर दी एंटी पोल्यूशन एक्टिव. क्योंकि नाइट के टाइम पे हमारा बाहर निकलना नहीं होता बल्कि हमें अपनी स्किन को नरिश करना होता है. सुबह में जितनी हमारी स्किन ने सफ़र किया होता है उससे वापस उसे रिप्लेनिश करना होता है, विच मीन्स कि इसको वापस से रिस्टोर करना होता है हमने अपनी स्किन को. तो इसमें रेड एल्गी मौजूद है जो कि हाइड्रेशन देती है स्किन में एंड होल्ड करती है मॉइस्चर को. साथ ही साथ इसमें ब्राउन एल्गी मौजूद है जो कि मिनरल कंपोनेंट्स रखती है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड स्किन को रिस्टोर करती है. ठीक है, एक्वा मिनरल्स हैं जो कि अगेन हाइड्रेट करेगी स्किन को. विटामिन ई है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज से कॉम्बैट करती है. ठीक है, फ्री रेडिकल डैमेज वही होता है जो हमारे सन की वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी एंटी एजिंग होना सॉरी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. तो विटामिन ई जो है उससे कॉम्बैट करती है ड्यूरिंग द नाइट. तो दिस इज़ अ गुड नाइट क्रीम. इसकी अगर हम बात करते हैं अगेन पैकेजिंग पे तो इसके ऊपर भी सील होगी, वो उतरेगी एंड इसके ऊपर तक प्रोडक्ट होती है. कितनी क्वालिटी इसकी, काफ़ी बहुत स्मूथ सी लुक है इसकी. ऑलराइट, हमने इतनी सी एक रात में यूज़ करनी होती है प्रोडक्ट, दैट्स इट ऑन फुल फेस. ठीक है, इसको आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें. ये काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट है. इसकी नाइट क्रीम मुझे और इवन सीरम भी बहुत लाइट वेट था इसका. सो दिस इज़ ग्रेट, आराम से आपने मॉइस्चराइज करना है. ऑल्सो इसके ऊपर मैंने सारी प्रोडक्ट्स बार बार ऊपर ऊपर ले करती जा रही हूँ तो ये शायद ना सही दिखे, मैं दूसरे हैंड पे करके दिखा रही हूँ.
वेरी मैट, ऑयली ऑयली लुक नहीं आ रहा है स्किन पे, बल्कि हाइड्रेटेड लुक आ रहा है. सो दिस इज़ ग्रेट एंड